गुड मॉर्निंग एवरीवन, देश आईएएस के ऑडियो करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम के जीएस पेपर 5 के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस स्टेडियम का निर्माण वाराणसी के गांजरी में 30 एकड़ में फैली भूमि में किया जाएगा। इस स्टेडियम को बनाने का उद्देश्य खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ आवंटित किए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस स्टेडियम के निर्माण में 330 करोड़ का निवेश करेगा। राजा तालाब क्षेत्र में रिंग रोड के पास स्थित इस स्टेडियम के दिसंबर 2025 तक तैयार होने की संभावना है। कानपुर और लखनऊ के बाद यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस स्टेडियम की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। यह स्टेडियम पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। इस स्टेडियम के डिजाइन में वाराणसी शहर से प्रेरित तत्व शामिल होंगे, जैसे अर्धचंद्राकार छत, त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट लगाई जाएगी। इस स्टेडियम की संरचना डमरू, जो भगवान शिव से संबंधित हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, और बैल के पत्तों के आकार जैसी होगी। इस स्टेडियम की दर्शक दीर्घ वाराणसी के घाटों की सीढ़ियों जैसी होगी। इस स्टेडियम में 30,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की भी क्षमता होगी। इस स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों और अर्थव्यवस्था को लाभ होने की उम्मीद है। तो आइए उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में कुछ जानते हैं। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इस नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए विशेष उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों के खेलों से जोड़ा जाएगा। इस खेल नीति के तहत राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा। तो आइए नोट करते हैं इस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का प्रश्न। उत्तर प्रदेश में खेलों के संवर्धन और प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा हालिया वर्षों में शुरू की गई प्रमुख पहलों का उल्लेख कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड तिरेसा पर। नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस ओवर प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद।